हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके ये मसला जो सलूशन हल लाया हूँ मैं, वो है आईफोन 6 का वाईफाई। यानी हमारे वाईफाई का सिग्नल बहुत कम आ रहे होते हैं। हम राउटर के बिल्कुल करीब जाएं तो हमें अच्छे सिग्नल रिसीव होते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी सिग्नल रिसीव नहीं होते, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो इसमें देखें, ये सिग्नल हमें अब बिल्कुल राउटर के पास मैं हूँ और देखें मेरे पास दो सिग्नल आ रहे हैं। इस पर बिल्कुल भी यानी हमारा फ़ोन काम नहीं करता, इंटरनेट नहीं चलता। तो आज मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। हार्डवेयर सोल्यूशन है इसका, सॉफ्टवेयर का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मैं ऐसा सोल्यूशन आपको बताऊंगा, क्या इर्द गिर्द के भी वाईफाई आएंगे और ये 100% ओके हो जाएगा। 3 सिग्नल आएंगे इसके पूरे, और इर्द गिर्द के वाईफाई भी होंगे, वो भी आएंगे। आप ये देखिएगा इस मेरी वीडियो में कम्प्लीट, और मेरी वीडियो को हमेशा लाइक क्या करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसके एंटीना से अलग किए। बेसिकली ये जो इशू आता है ये इसके वाईफाई एंटीना से होता है, जो कि अक्सर औकात तो लगा तो होता है लेकिन ये लूज़ पड़ जाता है, थोड़ा लूज़ हो जाता है। अक्सर औकात इसकी पिन डैमेज हो जाती है। देखिए, मैं इसमें एक पिन डैमेज हो गई हमारी, ये आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल फोकस करके दिखा रहा हूँ। इसमें एक पिन डैमेज हो गई है। एक भी पिन डैमेज हो जाएगी तो वाईफाई बिल्कुल अच्छा से नहीं आएगा, कैश नहीं करेगा, रेंज कम हो जाएगी। तो हम इसको, मैं आपको विदाउट एंटीना ये बना कर दिखाऊंगा, यानी मैं डायरेक्ट जंपर कर दूंगा इसके वायर से, मैं ये एंटीना निकाल दूंगा, क्योंकि ये एक भी मिस, एक साइड मिस होगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो लेट्स सी कि ये कैसे होता है। हम डायरेक्ट इसको यहाँ से जंपर करेंगे दूसरी साइड पे। ये देख रहे हैं, इसकी आधा हिस्सा एंटीना का इसके अंदर रह गया, इस वजह से ये इशू आता है, तो ये प्रॉपर काम नहीं करता। तो हम इसका आज ये सोल्यूशन निकालेंगे।